तो देखिए, स्कंद गुप्त के बारे में अपन पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ और रह गया था। तो स्कंद गुप्त ने अपनी राजधानी है वो अयोध्या को बनाया था, क्योंकि वह प्रशासनिक नियंत्रण के हिसाब से अयोध्या को उपयुक्त मानता था, इसलिए उसने अयोध्या को अपनी राजधानी है वो बनाई थी। इसके अलावा उसने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि सुदर्शन झील है वो मौर्य काल में बनी हुई थी, लेकिन इसकी एक पाल टूट जाने के कारण इस झील का पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? स्कंद गुप्त ने। इसके काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ था। ठीक है, इंदौर जो लेख प्राप्त होता है उस इंदौर लेख में स्कंद गुप्त के सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है कि स्कंद गुप्त है वो भगवान सूर्य की पूजा करते थे, उसका वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षित वक्षा कहा गया है। स्कंद गुप्त को जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षित वक्षा के नाम से जाना गया है। इन्होंने वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे। कौन सी शैली के? वृषभ शैली के। चांदी के सिक्के जारी करने वाला अंतिम शासक था। चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला अंतिम गुप्त वंश का शासक कौन था? स्कंद गुप्त। ठीक, अब इनके बाद में छोटी छोटी बातें हैं, जैसे पुरुगुप्त 470 से 473 इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और स्वयं ने बौद्ध धर्म त्याग कर उसकी जगह बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया सॉरी और उन्होंने वैष्णव धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इसके बारे में अपन देखते हैं नरसिंह गुप्त या बाबा आदित्य, ये गुप्त शासक था। इसने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था, क्योंकि हुणों के आक्रमण जो है पहले से शुरू हो गए थे, तो इन्होंने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। और नरसिंह गुप्त के काल में सबसे बड़ा सोने का सिक्का है वो प्राप्त होता है। सबसे पहला सोने का सिक्का सबसे बड़ा किसके काल का है? नरसिंह गुप्त के काल का। इसके बाद इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, वो ये है कि भारत में सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी कब मिलती है? तो याद रखना पानुगुप्त के काल में 510 ईस्वी में कौन से अभिलेख में? एरन अभिलेख। कौन से अभिलेख में? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में 510 ईस्वी में जानकारी मिलती है कि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हुई थी। यह है भारत में सती प्रथा संबंधी प्रथम जानकारी प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख से? एरन अभिलेख से। शासक कौन थे? भानुगुप्त। और किसकी मृत्यु हुई थी? सेनापति गोपराज की। और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी है वो सती हुई थी, इसकी जानकारी एरन अभिलेख से मिलती है। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं गुप्त राजवंश की शासन व्यवस्था। गुप्त राजवंश के शासकों का राज्य काफी विस्तृत था और विस्तृत राज्य को संभालने के लिए, विस्तृत राज्य पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों को विषय को ग्राम में विभाजित किया था। सबसे छोटी इकाई गुप्त काल में भी गांव को ही माना जाता था।
ठीक है। गुप्तकालीन साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों में नियुक्त व्यक्ति प्रायः राजा के राज परिवार से जुड़े हुए होते थे एवं राजा के चहेते व्यक्तियों को प्रति 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए नियुक्त करते थे। गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति, देश अथवा भोग कहते थे। गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति, देश अथवा क्या कहते थे? भोग। ठीक है, भुक्ति या प्रांत का मुखिया ऊपरी कहलाता था। भुक्ति या प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था? ऊपरी। प्रांतीय शासकों में कई नाम मिलते हैं जिन्होंने गुप्त काल में एक प्रांतीय ऊपरी के रूप में अच्छी सेवाएं दी थी, जिनमें पर्णदत्त, घटोत्कच, गोविंद गुप्त जैसे प्रांतीय ऊपरीकों के नाम मिलते हैं। इसके अलावा सीमांत प्रांतों के शासक को गोप्ता कहते थे। ठीक है, प्रांतों का मुखिया ऊपरी और सीमांत प्रांतों के मुखिया को क्या कहते थे? गोप्ता। ठीक है, भुक्ति या प्रांत विषयों में विभाजित थे और विषय का मुखिया विषयपति कहलाता था और विषयपति का कार्यालय अधिष्ठान कहलाता था, अर्थात विषय मतलब जिला स्तर की इकाई और इनका जो कार्यालय है वो क्या कहलाता था? अधिष्ठान। इसी तरह से नगर प्रमुख, नगर का जो मुखिया होता था जिसमें नगर पालिकाएं, नगर परिषद जैसी व्यवस्था थी, तो नगर पालिका का मुखिया पुरपाल और नगर परिषद का मुखिया नगरपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नगरों को गांवों में विभाजित किया गया था और गांव का मुखिया ग्रामीण या मेहतर होता था। गांव का मुखिया को गुप्त काल में ग्रामीण या मेहतर कहते थे। केंद्रीय प्रशासन के अधिकारी जो होते थे उनको मंत्री या अमान्य कहते थे, अर्थात जिस प्रकार से राज्य या प्रांतों की व्यवस्था थी इसी तरह से इन्होंने केंद्रीय प्रशासन के अधिकारी भी नियुक्त किए हुए थे जो समय समय पर राजा को सलाह मशविरा देते थे, राजा के कार्यों का गुणगान करते थे, राजा के विभागों का कार्य करते थे और उसमें एक राज्यसभा होती थी। राज्यसभा एक सलाहकारी सभा थी, अर्थात जिसमें जो व्यक्ति होते थे वे सलाह देने का कार्य करते थे। इसी तरह से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों में नाम आते हैं प्रतिहार या महाप्रतिहार। तो देखिए, प्रतिहार का नाम ही स्पष्ट है, रक्षा करने वाला। प्रतिहार गुप्त काल में अंतःपुर की सुरक्षा का प्रमुख अधिकारी होता था। अंतःपुर की सुरक्षा का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? प्रतिहार। और राजमहलों की सुरक्षा का प्रमुख अधिकारी है वो महाप्रतिहार होता था। फिर देखिए महाबलाधिकृत, ठीक है, सेना के सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। इसी तरह से महासंधि विग्रहक, युद्ध व शांति का मंत्री है वो महासंधि विग्रह के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से महादंडनायक जो न्यायाधीश के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह इनके पास और भी कई अधिकारियों का जमावड़ा था जो शासन व्यवस्था चलाने में कार्य करते थे, वो हम अगले वीडियोस के अंदर हैं वो देखेंगे। थैंक यू।